कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जिसका नाम था कालापुरवा। यह गांव घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। गांव के लोगों का कहना था कि उस गांव में सूरज डूबते ही अजीब अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो जाती थीं। रात होते ही लोग अपने घरों में बंद हो जाते थे और किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। कहते हैं वहां एक पुराने पीपल के पेड़ के पास एक भूतनी का साया देखा जाता था। वो सफेद साड़ी में लिपटी, लंबे खुले बालों वाली और जलती लाल आंखों वाली थी। उसकी हंसी इतनी डरावनी होती थी कि सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वह एक औरत थी जो कई साल पहले यहां मौत का शिकार हो गई थी और उसकी आत्मा आज भी यहां भटक रही है। राहुल नाम का एक युवक था जो उस गांव में नए आया था। वह इन सब कहानियों को महज अंधविश्वास मानता था और उसे इनमें कोई सच्चाई नजर नहीं आती थी। एक दिन गांव के लोगों ने उसे समझाया, बेटा रात के समय पीपल के पेड़ के पास मत जाना, वहां भूतनी का साया है जो इंसानों को अपनी तरफ खींच लेती है। लेकिन राहुल ने हंसते हुए उनकी बातों को मजाक में उड़ा दिया। एक रात राहुल ने ठान लिया कि वह जाकर उस भूतनी के बारे में सच्चाई का पता लगाएगा। आधी रात का समय था जब वह अकेला उस पीपल के पेड़ के पास पहुंच गया। आसपास घना अंधेरा था और केवल झींगुरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। अचानक उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और उसके चारों ओर का माहौल बदलने लगा। तभी उसे पेड़ के पास एक परछाई दिखाई दी। वह सफेद कपड़े पहने हुए थी, लंबे बाल, बड़ी बड़ी लाल आंखें और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। राहुल की हिम्मत जवाब दे गई, पर उसने किसी तरह अपनी आवाज को थामते हुए पूछा, तुम कौन हो? उस औरत ने ठंडी आवाज में कहा, मैं वही हूं जिसकी कहानी तुमने सुनी थी। मैं इस पेड़ से बंधी हुई आत्मा हूँ। मेरी मौत यहाँ हुई थी और अब मैं सभी को अपनी तरह बनाना चाहती हूँ। राहुल के पसीने छूट गए, उसके पैरों ने उसका साथ देना छोड़ दिया। वह पलटकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया भूतनी ने उसका रास्ता रोक लिया। उसकी आंखों में खून की लालिमा थी और चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उसने राहुल का हाथ पकड़ लिया। राहुल चीखने की कोशिश कर रहा था पर उसकी आवाज़ भी दब चुकी थी। गांव वालों ने अगले दिन राहुल का जला हुआ शरीर उसी पीपल के पेड़ के नीचे पड़ा हुआ पाया। उसकी आंखें खुली हुई थीं और उनमें डर का भाव साफ दिखाई दे रहा था। गांव के लोगों ने फिर से उस पेड़ के पास जाना छोड़ दिया और हर आने वाले को चेतावनी दी कि उस भूतिया पेड़ के पास मत जाना, वरना वह भूतनी तुम्हें भी अपने साथ ले जाएगी। आज भी कहते हैं कि उस गांव के पास से गुजरते समय उस भूतनी की चीखें सुनाई देती हैं और जो भी उसकी चेतावनी को अनसुना करता है वह उसके जाल में फंस जाता है।